ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकाय चक्षुरन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे मूकं करोति वासलं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातं श्रीगुरुदिनधारणं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चाद्यदेश तारिणी वंच कल्पतरुवस्य कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्याय नंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। आज की इस जो जपाटक के सिलसिला में आज मेरी बारी है, तो दीपक प्रभु ने मुझे कॉल करके बताया था। तो दीपक प्रभु को तो मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, जो कि हर एक डेवोटी को वो पर्टिकुलरली बताते हैं। एक तो ग्रुप में छोड़ते हैं और डेली कॉल भी करते हैं कि कल प्रभु जी आपका जपाटक करके रिमाइंड करने के लिए। और सर्वप्रथम है हमारे सांबदास प्रभु जी नित्य सेवन माता जी के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम। देन राम रतन प्रभु एंड माधव एंड माता जी के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम। और यहाँ उपस्थित सभी भक्तों के चरण कमलों में मेरे दंडवत प्रणाम। और आज का जो जपाटक है, मैं महाराज की लेक्चर से सुना हूँ, तो जो भी मैं दोहराऊंगा सारे श्रेय उनकी है। और जो भी गलतियां होंगी वो मेरी होगी, क्योंकि गलतियां तो होगा ही, क्योंकि आप भी सुनता हूँ तो 2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ भूल जाता हूँ, तो इसलिए कृपया क्षमा करें। तो आज का जो टॉपिक है श्रीमद् भागवतम का है, थर्ड कंटो का 25th चैप्टर का 26th वर्स है, तो मैं उसको पहले पढ़ना चाहता हूँ। भक्त्यापमंजातविरागन्द्रियात् दृष्ट्वा श्रुतमद्रचनानुचिन्तया चितस्य योतो ग्रहणे योगयोक्ता यतिष्यते रजोभिर्योगो मार्गे। तो ट्रांसलेशन इस प्रकार, दस कंसियसली एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस इन द एसोसिएशन ऑफ डेवोटीज ए पर्सन गेन्स डिस्टेस्ट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन बोथ इन दिस वर्ल्ड एंड इन द नेक्स्ट बाय कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड। दिस प्रोसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस इज द इजिएस्ट प्रोसेस ऑफ मिस्टिक पावर। व्हेन वन इज एक्चुअली सिचुएटेड ऑन दैट पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस ही इज एबल टू कंट्रोल द माइंड। तो यहाँ पे जो कपिल मुनि है अपने मदर को देवभूति को बताते हैं, जो प्योर डिवोशनल सर्विस का जो सीरीज ऑफ वर्सेस है, तो उसमें से ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्स है। महाराज बताते हैं कि ये एक मतलब ब्यूटीफुल साइंस है इसमें, क्योंकि बोल रहे हैं कि डिस्टेस्ट के बारे में बता रहे हैं विश्व। तो क्यों, तो इससे हमें कभी कभी क्या कि हमारे मन में भी डाउट आता है कि हम भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये वर्ष उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है महाराज बताते हैं, क्योंकि जब तक हमें जो मेटेरियल अटैचमेंट उससे डिस्टेस्ट हमारा कितना है, हम उसे क्लियर कट इंडिकेटर यहाँ देता है कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए एक एग्जाम्पल के तौर से बताते हैं, मतलब एग्जाम्पल में जो सच्ची घटना है, वो भक्ति एक बार क्या कि एक डेवोटी है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से ठाकुर से बताते हैं कि महाराज मैं यमुना तट पे था और जब रहता हूँ तो मैं भगवान को देखता हूँ। तो बोले कि तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं क्या डिड यू सी कृष्णा और डिड यू सी माया। तो बोले कि मैं कृष्णा को देखता हूँ बट कभी कभी माया को देखता हूँ। तो वो बोले कि दैट मीन्स यू आर नॉट सीइंग द कृष्णा, क्योंकि आप भगवान को। तो वहां पे गौतम महाराज बोलते हैं, जैसे भक्ति सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, कृष्णा सूर्य सम माया होए अंधकार और जहाँ कृष्ण होए नहीं माया रा अधिकार। तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर कृष्ण क्या कि सूर्य के समान है, अगर कृष्णा है वहां पे मीन्स माया है ही नहीं, और अगर हम माया को कहीं भी कभी देख रहे हैं मीन्स हम प्रॉपरली कृष्ण को देख नहीं पा रहे। तो इसी संदर्भ में और एक 2.44 में बताते हैं,
भोगो ऐश्वर्य प्रसादनं तया प्रहत चेतसं व्यवसायित्मिका बुद्धि सन्नद्धौ न विधीयते। मीन्स जो भोग ऐश्वर्य, अगर ये दोनों को हम लेके चलेंगे, हम अगर अगर इस सेंस अटैचमेंट में ही हमेशा रहेंगे तो हम भगवान को कभी नहीं पा पाएंगे। मतलब दोनों पैरेलल नहीं चलेगा, भोग ऐश्वर्य भी करते रहेंगे और डिवोशनल सर्विस करेंगे, ये नहीं हो पाएगा। तो भगवान क्लियर कट यहाँ बताते हैं यहाँ पे। तो महाराज बोल रहे थे, इसलिए हमारा जो स्क्रिप्चर से जो भगवद गीता हो गया, भागवतम हो गया, चैतन्य चरितमृत, ऐसे क्यों बोलते हैं पढ़ा पढ़ने के लिए? क्योंकि हम बहुत सारे लेक्चर में सुना कि पहले हम भगवद गीता पढ़ना चाहिए, देन भागवतम सुनना है, देन चैतन्य चरितमृत, ये सब पढ़ने के लिए बोला जाता है। बोले क्यों बोला जाता है? तो महाराज को रिलेट कर रहे थे कि जो भगवद गीता है वो स्टार्ट होता है इसीलिए। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? देहिनमस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राति धीरस्तत्र नाम यति। मतलब जैसे जैसे टाइम पास होता है, हमारा जो स्टेज है क्रॉस होता है, उसी हिसाब से जैसे एक धीरस्तत्र है नाम यति, मतलब बिल्डर नहीं होता है। सेम अगर ऐसे होते होते एंड में होता है कि भगवान क्या बोलते हैं, सर्वधर्म प्रत्यज मामेकम शरणं व्रज, मतलब सब कुछ छोड़ दो मेरे अंडर में आ जाओ। फिर सेम अगर हम नेक्स्ट वी विल गो टू द श्रीमद भागवतम, अगर भागवतम जाएंगे तो वहां तो क्या होता है, प्योर डिवोशनल सर्विस स्टार्ट होता है वहां पे, क्योंकि ग्लोरिफिकेशन ऑफ लॉर्ड एंड हिज डिवोटीज हम वहां से करते हैं। पर जैसे ही भागवतम एंड होता है तो महाराज बोलते हैं श्लोक में, जो भागवतम का लास्ट श्लोक है, नाम संकीर्तनम यज्ञ सर्व पाप प्रणनाशम प्रणमो दुख सना समानतः तम नमामि हरि परम। मीन्स ये जो नाम संकीर्तन सिंपल द कंग्रीगेशन चैंटिंग ऑफ द लॉर्ड बाय द डिवोटीज, मतलब ये जो चैंटिंग ही इज द ओनली वन प्रोसेस जो कि हम प्योर डिवोशनल सर्विस में पहुंचा सकते हैं। सेम अगर उसके बाद अगर चैतन्य चरितामृत में जाएंगे तो स्टार्ट में क्या होता है, ए मत भक्त भव करि अंगीकार अपन ही आचार्य भक्ति करी ल प्रचार। मतलब चैतन्य महाप्रभु खुद अपने आचार्य, मतलब खुद वो दिखाते हैं कि कितना रस है इस हरे कृष्ण महामंत्र में, कितना रस है वो खुद करके अपने डेवोटीज को दिखाने की कोशिश करते हैं। सेम अगर एंड करेंगे तो क्या होता है, चैतन्य जो होता है एंड में बोलते हैं कि वह मंत्र दिल गोसाई कि वह तर बल जपिते जपिते मंत्र करी ल पागल। मतलब ऐसा कैसा रस है जो कि मैं जपते जपते पागल हो रहा हूँ करके यहाँ पे बताते। तो ये जो प्रॉपर सीक्वेंस है, इसीलिए हमें इसी जो आचार्य गोस्वामी से हमें जो ये देते हैं, जो प्रॉपर एक्चुअल रस क्या है डिविजनल सर्विस का, वो हमें बताते हैं। तो एक बार क्या कि प्रभुपाद को एक बोलता है, एक डेवोटी है, एक मतलब जो लेक्चर चलता है तो उसमें पढ़ते हैं एक 2.69, या निसर्वभूतानां तस्यं जाग्रति सन्यानी यस्यं जाग्रति भूतानि स निस पश्यति मनः। मतलब ट्रांसलेशन इस प्रकार, व्हाट ऑल बींग्स कंसिडर्ड एज डे इज द नाइट ऑफ द इग्नोरेंस फॉर द वाइज, एंड व्हाट ऑल क्रिएचर्स सी एज नाइट इज द डे फॉर द इंट्रोस्पेक्टिव सेज। तो यहाँ पे प्रभात को फिर वो पूछते हैं कि व्हाट इट मीन, तो प्रभात सिंपल एक सिंगल लाइन में बोलते हैं, दे थिंक यू आर मैड एंड यू थिंक दे आर मैड। तो इसीलिए बोलते हैं कि सही में अगर हम देखते हैं आजकल, हम कोई डिवोटी को बाहर की दुनिया के लोग क्या बोलते हैं, यार ये पागल हो गया, पता नहीं हमसे हरे कृष्ण ही करता रहता है, और पता नहीं दुनियादार इतने सारे ये छोड़ के लोग इसके पड़े हैं। बट हम तो क्या सोचते हैं, देखो कैसे पागल है, कैसे उनकी मति भ्रष्ट हो गया है, वो गलत काम में लगे। तो यही चीजें, मतलब हम उनको मैड बोलते हैं, वो हमें मैड बोलते हैं। तो यही चीज। तो और एक एग्जाम्पल में ऐसे प्रभात को बोले, प्रभात एक बार एक स्ट्रीट में जा रहे थे अर्ली मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग मीन्स लेट नाइट भी है, मतलब बाकियों के लिए हिप्पीज के लिए लेट नाइट है। तो दो लेडी है वो स्कॉट्स में जा रहे थे, और एक जदुरानी माता जी करके बोलते थे कि प्रभात के साथ रहते थे, तो वो साड़ी वाड़ी पहनते थे जाते थे। तो प्रभात वहां पे देखे कि ये लोग कुछ ऑकवर्ड फील कर रहे हैं, तो प्रभात खुद बोले कि देखो वो अपना सेंस एंजॉयमेंट के लिए कितना रिनाउंसिएशन कर रहे हैं, और हम अपना रिनाउंसिएशन किस लिए कर रहे हैं, कृष्णा के लिए कर रहे हैं, कृष्णा को पाने के लिए। तो दिस इज ओनली डिफरेंट, रिनाउंसिएशन तो सभी करते हैं बट सबका वे डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसलिए यहाँ पे महाराज बता रहे थे जो बैराग्य, जो यहाँ पे श्लोकों में भी है दिया है, जहाँ बैराग्य, तो बैराग्य का जो संस्कृत होता है दो मीनिंग होता है, एक तो होता है बैराग्य मीन्स डिटैचमेंट,
और एक होता है क्या कि विशेष राग, मीन्स देयर इज अ स्पेशल अटैचमेंट। तो इसलिए महाराज बोलते हैं कि दिस टाइप ऑफ स्पेशल अटैचमेंट वन कैन नॉट बी डिटैच। तो अगर एक स्पेशल अटैचमेंट है तो कैसे डिटैच हो सकता है? ठीक है, एक तो स्पेशल अटैचमेंट है तो दैट मीन्स डिटैच होगा, बट क्या होगा, एक जो टेस्ट है हमारा, इसीलिए एक टेस्ट से दूसरे टेस्ट में ओनली ट्रांसफर ही हो सकता है। तो इसलिए और एक तो श्लोका में बताया जाता है, विषय अभिनिवर्तन्ते निर्भस्य देहिना रस वज्रम रसोप्यस्यम परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते। मतलब श्लोक है, इसको पक है, एस्पिरेंट्स में रिस्ट्रेन द सेंसेस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एंजॉयमेंट, बट द टेस्ट फॉर द सेंस ऑब्जेक्ट रिमेन्स। हाउ इवन दिस टेस्ट क्लीज फॉर दोज हु रियलाइजेस द सुप्रीम, मीन्स सॉरी सीजेस फॉर दोज हु रियलाइजेस सुप्रीम, मीन्स वैसे वो टेस्ट तो वही रहता है। मतलब एग्जाम्पल देते, जैसे फास्टिंग हम आज करते हैं एकादशी में, तो आज फास्ट करते हैं तो कल हम सोचते हैं यार कैसे हो जाए तो कल मैं खा लूं। मतलब हमारा वो टेस्ट रहता है हमारे पास, बस एक टाइमिंग के लिए चेंज होता है, मतलब हम कंट्रोल करके रखते हैं। सेम अगर मान लो किसी को, जैसे बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, जो जंडिस होता है, तो उसको क्या है, मुझे शुगर के उनका जो पसंद नहीं आता है, वो टेम्पररी के लिए, जैसे ठीक हो जाए फिर, मतलब टेस्ट रिमेन सेम। इसीलिए हमारे जो मेटेरियल एंजॉयमेंट का लालसा तो रहता है, लेकिन हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश, तो अभी वो कैसे होगा, जब चेंज करके हम दूसरे, जब हायर टेस्ट हमें मिलेगा तब जाके हम उसको, मतलब स्पेशल अटैचमेंट है जो वहां पे हम जा सकते हैं, तो इससे डिटैच हो जाएगा, मतलब मेटेरियल एंजॉयमेंट से डिटैच हो सकते हैं। तो इसलिए उस संदर्भ में रूप गोस्वामी है जो वो बताते हैं कि एक्चुअली जो रस क्या होता है। तो इवन कबीराज गोस्वामी भी चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं कि एक एग्जाम्पल दे रहे थे महाराज की असुर जो जो डेमन, मतलब हु डजंट नो द चैतन्य महाप्रभु ही इज अ डेमन करके से महाराज बोलते हैं कि डेमन मीन्स, मतलब वो बोलते हैं कि मैं जब सुना था मैं बहुत दिन तक तो सोच नहीं पा रहा था कि ऐसे इतना बड़ा हाई चीज कैसे बोलते हैं कि कबीराज गोस्वामी की वो डेमन है। तो वो सुने कि जो एक्चुअली जो असुर का मीनिंग है, सॉरी डेमन का मीनिंग असुर, जो संस्कृत में वो होते हैं कि असुसु रमते इति, मतलब हु एंजॉय इन द सेंसेस इज कॉल्ड असुर। तो उससे को अगर हम कोरिलेट करेंगे तो हम यहाँ डेमन समझ पाएंगे कि रमते इति मतलब सेंसेस को जो एंजॉय करता है। तो इसीलिए हम हमारा अंदर सेंसेस का एंजॉय करते हैं, इसीलिए हम चैतन्य महाप्रभु को ठीक से जान नहीं पाते हैं। तो ये कोरिलेट करके महाराज बता रहे थे। तो यहाँ पे जो रूप गोस्वामी है वो रस के बारे में चर्चा करते हैं। तो रस क्या होता है, तो रूप गोस्वामी बोलते हैं कि व्हाट इज रस ना, अकेला रसामृतम मूर्ति, मीन्स हु इज दैट अकेला रसामृत मूर्ति, दैट इज द कृष्णा, देन हु कैन एक्सपीरियंस दैट रस, दैट शुड बी दी रसिक भक्त। रसिक भक्त जो है वही उसको टेस्ट ले सकता, बट वो रसिक भक्त कैसे हो सकता है, वो सिंपल फंडा ही है, वो सबको पता है। वो क्या है, साधु संग होना चाहिए या भजन क्रिया होना चाहिए और अनित्य निवृत्ति होना चाहिए, ये सब जब होगा तब जाके हम टेस्ट को पा सकते हैं। तो यहीं से इसलिए यहाँ पे जो कपिल देव मुनि है वो अपना देवती मदर को समझाते हैं कि जो जेन्युइन टेस्ट है, जो भगवान का जेन्युइन टेस्ट अगर इसको मिल पाता है किसी को, तो वो ये जो मेटेरियल एंजॉयमेंट से डिस टेस्ट कर सकता है, और वो असली टेस्ट जो रस है इतना पावरफुल है कि ये जो मेटेरियल रस से आराम से डिटैच हो सकता है। बस ये श्रीमद भागवतम का जो लेक्चर था मैं सुना था, महाराज से दोहराने की कोशिश किया, कुछ गलतियां हो तो माफ कर।